मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखाते हुए आज जनता के लिए कई सौगातों का पिटारा खोल दिया। सीएम गहलोत ने कोरोना काल के बाद चौपट हुए उद्योग धंधों को आर्थिक वैक्सीन देने की कोशिश की है। इस बजट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री रिकॉर्ड 2 घंटे 47 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान कृषि, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ और पर्यटन पर खास फोकस रखा गया। बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनावी पासा भी खेला है। सीएम गहलोत ने भाजपा की दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी के नाम पर कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। साथ ही जिन 3 कांग्रेस विधायकों का निधन हुआ उनके नाम पर भी कॉलेज खोले जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस बजट में आपको क्या मिला। बड़ी घोषणाएं, कोई नया टैक्स नहीं। 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 4%। कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों के 15 दिन का काटा गया वेतन वापस मिलेगा। शराबबंदी को लेकर चलाया जाएगा अभियान। पशुपालकों को मिलेगी घर पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा। राजस्थान में फिल्म निर्माण जीएसटी मुक्त। हेल्थ सेक्टर, राजस्थान में अब राइट टू हेल्थ लागू होगा। अगले साल से 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना करेंगे लागू। सरकार हर परिवार को देगी कैशलेस बीमा की सुविधा। देना होगा 850 रुपए का प्रीमियम। मेडिकल को लेकर सीएम गहलोत ने शुरू किया योजनाओं का पिटारा। महिलाओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन देंगे। कृषि सेक्टर, अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश होगा। वन टाइम सेटलमेंट योजना आगे माफ करवाए जाएंगे किसानों के ऋण। बनाए जाएंगे मिनी फूड पार्क। कृषि उत्पादों को किया जाएगा प्रोत्साहित। किसानों को दिलवाएंगे ब्याज मुक्त ऋण। 3 लाख नए किसानों को जोड़ा जाएगा। बात शिक्षा सेक्टर की, 2 साल में 50,000 नए रोजगारों का होगा सृजन। जोधपुर में खुलेगी 400 करोड़ की लागत से डिजिटल यूनिवर्सिटी। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को नहीं करवाना होगा बार बार वेरिफिकेशन। खुलेंगे 2 साल में नए 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल। सभी जिला मुख्यालयों पर खुलेंगे नर्सिंग महाविद्यालय। बजट भाषण के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आए जब सीएम गहलोत ने जमकर विपक्ष की चुटकी भी ली, जिस पर सदन में बैठे सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी जमकर ठहाके लगाए। गहलोत ने कभी विपक्ष के सचेतक न होने पर व्यंग्य बाण छोड़े तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का किस्सा भी बताया। बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री गहलोत से पत्रकारों ने सवाल किए कि आखिर बजट के लिए पैसा कैसे और कहां से आएगा, तो उन्होंने कहा कि जादू से। अभी तो मैंने बताया आपको, इनको जुड़वा दिया ना मैंने। अभी मैंने जो जुड़वाया है ये जो वो है ना, क्या वो भाट और क्या कहते हैं गाड़ी लोहार भाट आठ जो जुड़वाया ना, तो मैंने इनको कहा भैया एक मदारी भी जोड़ दो। आप समझ सकते हो मदारी कितना अच्छा मैजिक बताता, बताओ पानी तो। पर मैंने कहा पानी पीपे के मैं प्यार कर रहा हूँ, कोस नहीं रहा हूँ इनको। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस अपनी पुरानी संस्कृति से चल रही है, यह बजट वाहवाही के लिए है। कर रहे हैं लेकिन सच में ये जनता के साथ एक दगा होगा, धोखा होगा। वैसे ही होगा जैसे 10 दिन में कर्जा माफ करने की जो बात कही, या बच्चों को 350 रुपए या तो नौकरी या भत्ता, वो जैसा साबित हुआ। और वैसी की वैसी संविदाओं को नौकरी लगाएंगे, अभी तक भी संविदाओं को नौकरी लगाने के बारे में इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान बजट नहीं रखा। बहरहाल अब बजट जनता को कितना रास आता है इसकी वानगी तो आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में देखने को मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस इसे अब तक का सबसे बेहतर बजट बता रही है, जबकि भाजपा सवाल उठाने में पीछे नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।